हेलो। कल हमने इंटीग्रेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया था फिजिक्स में, और आज उसके आगे चलते हैं। काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है। एक मिनट। पीडीएफ खोल लीजिए फिजिक्स का। पीडीएफ नंबर 2 जो आपको दूसरा नंबर दिया गया था, काइनेमेटिक्स, वो चैप्टर खोलिए। स्टार्ट करें। बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर आ रहा है क्या सबको? ओके, स्टार्ट करें। ओके, काइनेमेटिक्स का पीडीएफ आपने अगर प्रिंट किया होगा मटेरियल का, जो मटेरियल हमने मिल किया था आपको, तो उसमें पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स में रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन की अगर हम बेसिक बात करें तो हम क्या कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है। जैसे रेस्ट एंड मोशन, तो जैसे आप यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप एक रोड पर खड़े हुए हो, ये एक रोड पर खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ पे रोड पे खड़े हुए हो, आपका फ्रेंड भी बगल में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे ये पर्सन हो गया ए, ये पर्सन हो गया बी, तो आपके रिस्पेक्ट में बी, आप मान लीजिए ए हो, तो आपके रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पर है, और बी के रिस्पेक्ट में आप ए रेस्ट पर, दोनों एक अगल बगल खड़े हुए हो। तो टेक्निकल यानी अगर मैथमेटिकल तरीके से मैं उसकी बात करूं कि मैथ्स का पॉइंट क्या बोलता है, यानी आपके रिस्पेक्ट में अगर एक इसका डिस्टेंस, ये आपका रेफरेंस फ्रेम हो गया। रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ? जिस जहां पे आप खड़े हो वहां पे आपने एक्स वाई जेड एक्सेस ड्रॉ कर ली और अपने आप को ओरिजिन पे रख लिया, तो वो आपका रेफरेंस फ्रेम हो गया। तो आपके रेफरेंस फ्रेम से इसकी एक डिस्टेंस ए था, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, और टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये ए डिस्टेंस फिक्स है। ए इसका जो डायरेक्शन है और डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वो वहीं पे खड़ा है, वहीं पे खड़ा है, वहीं पे खड़ा है। तो हम क्या कहेंगे कि वो मेरे रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे है, आपके रिस्पेक्ट पे वो रेस्ट पे है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो मूव करने लगा यानी अवे फ्रॉम यू, आपको जाने लगा, वो अवे फ्रॉम यू जाने लगा, ठीक है, इस साइड। तो अभी ये अगर उसकी पोजीशन वेक्टर ए हो गया, तो जैसे जैसे टाइम टी इक्वल टू जीरो पर वो यहां पर था, टाइम टी इक्वल टू टी पर वो यहां कहीं पर आ गया, टी इक्वल टू टी पर वो यहां कहीं पर आ गया, ठीक है। तो आपके रिस्पेक्ट में उसका जो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये हो गया, ये पर्सन नाउ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके रिस्पेक्ट में, आप वहीं पे खड़े हुए हो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यू ये मूव करने लगा। तो हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है ये मोशन में आ गया, ठीक है। तो बेसिक फिजिक्स के हिसाब से हम रेस्ट एंड मोशन को हम इसी हिसाब से डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, आपका रेफरेंस फ्रेम, आप जिस फ्रेम में हो, आप जिस फ्रेम में खड़े हो, तो आपने अपने अलोन एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कर लिया, आपका रेफरेंस फ्रेम आपके रिस्पेक्ट में हमेशा स्टेशनरी रहेगा,
ठीक है, आपका फ्रेम जो होगा, आप जिस फ्रेम में हो आपके रिस्पेक्ट में वो चीजें हमेशा, वो फ्रेम हमेशा स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं, एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं, सेम केस जैसा पहला वाला सेम केस। ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये वो पर्सन है, इनिशियल टी इक्वल टू जीरो पर आपके रिस्पेक्ट में ये वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ था ए डिस्टेंस पे। ठीक है, लेकिन अगर आप इस साइड मूव करने लगे तो इस केस में मोशन में आप हो, ठीक है, तो उस केस में अगर आप इधर जाने लगे हो, इस साइड जाने लगे हो, तो एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस ए था वो आपके रिस्पेक्ट में बढ़ने लगा ना। ठीक है, लेकिन आप मूव आप कर रहे हो, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेम, आपके फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस पर्सन की पोजीशन क्या है, तो एक्चुअली में क्या होगा, आप अपने फ्रेम को हमेशा स्टेशनरी फ्रेम मानोगे, जिस फ्रेम में आप हो उसको हमेशा स्टेशनरी फ्रेम मानोगे। तो आपके फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये पर्सन इस साइड एक वेलोसिटी वी से जा रहा है, एक्चुअली में आप उधर से जा रहे हो, ठीक है, आप उधर जा रहे हो, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में ये पर्सन ये जा रहा है। तो इस केस में इसकी स्पीड, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेम, तो आपका फ्रेम आपके रिस्पेक्ट में तो हमेशा स्टेबल रहेगा, लेकिन उस केस में क्या हुआ, अगर आप अपने फ्रेम के बारे में बात करो तो कहोगे कि भैया ये वी वेलोसिटी से इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेम द पर्सन बी हैव ए वेलोसिटी प्लस वी इन दिस डायरेक्शन, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है, आप में माइनस वी की वेलोसिटी है। लेकिन अगर आपके फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपके फ्रेम में ये आपसे तो वो वी वेलोसिटी से दूर जाता हुआ दिखेगा ना। ठीक है, वी वेलोसिटी से दूर जाता हुआ दिखेगा, तो आपके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी वी राइट डायरेक्शन में। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, आप जिस फ्रेम पर, फ्रेम पे हो तो उस फ्रेम को आप हमेशा स्टेशनरी मानोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे हम सब अर्थ पर हैं, ठीक है, अर्थ पर हैं, क्या अर्थ पर हैं, ठीक है, ये अर्थ होगी, मदर अर्थ होगी, ठीक है, यहां पर सन है, ये सन है, ठीक है, और वी ऑल नोस ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ हो गया, वी ऑल नोस कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, ऐसे घूमता है, क्या दिख रहा है, क्या बेटा सन दिख रहा है आपको बोर्ड पे जो मैंने बनाया है वो, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है, तो ये सन है। अब हमें पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, लेकिन अगर आप अर्थ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और सन को देख रहे हो, तो हम जब अर्थ सन को देखते हैं तो सन हमें कैसे दिखता है, ईस्ट से उगा और वेस्ट में डूब गया, आपको सन उस टाइम मोशन में दिखता है, ऐसा दिखता है क्या कि नहीं अर्थ मूव कर रहा है, ये आपको नहीं दिखता, आप अर्थ पे हो, तो आप जिस फ्रेम पर हो उस फ्रेम को हमेशा स्टेशनरी फ्रेम मानोगे। तो इस केस में क्या है, इस केस में सन ईस्ट से उगा, और यानी अगर मान लीजिए ये अर्थ ऐसे मूव कर रहा है तो सन ईस्ट से होगा, इस साइड से होगा, और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में जाके डूब गया। ठीक है, तो आप जिस फ्रेम में हो उस फ्रेम को हमेशा स्टेशनरी फ्रेम कंसीडर करोगे। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं मोशन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि सन इज इन द मोशन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमें पता है टेक्निकली कि सन रुका हुआ होता है और अर्थ घूम रहा है उसके चारों तरफ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस फ्रेम से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया इस केस में, ऑब्जेक्ट हो गया सन, ऑब्जर्वर कौन हो गया, ऑब्जर्वर हो गए आप, तो जिस फ्रेम से आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो उस फ्रेम को स्टेशनरी लेते हो। ठीक है, तो टेक्निकली अगर कॉन्सेप्चुअली करें, कॉन्सेप्चुअली बात करें कि भाई व्हाट इज द रेस्ट व्हाट इज द मोशन, तो रेस्ट और मोशन नाम की कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में रेस्ट पर हो सकता है, मोशन पर भी हो सकता है। देखो बेटा, जैसे ये हमारा सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि सन रुका हुआ है, अर्थ मूव कर रहा है, लेकिन आप जब अर्थ से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अर्थ रुका हुआ है, सन मूव कर रहा है, ठीक है,
लेकिन अगर मिल्की वे के सेंटर से आप देखोगे तो क्या करोगे, अर्थ वहां पे सन भी घूम रहा है मिल्की वे के सेंटर के अलोंग, ठीक है, ठीक है। तो क्या रेस्ट है, क्या मोशन है, नहीं। तो इसके लिए आपने क्या, यानी टेक्निकली जो फिजिक्स में कहा जाता है कि आप जिस फ्रेम पे हो, आपके फ्रेम के रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में जो फ्रेम है वो रेस्ट पर है। ओके ओके, ठीक है। इसको इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे ये रोड है, सिंपल सी रोड है, ठीक है, सिंपल सी रोड है, ये एक सिंपल सी रोड है। एक साइकिल वाला बंदा है, साइकिल पे है, और वो साइकिल चलाता हुआ, साइकिल को चलाता हुआ इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस साइड जा रहा है। आप यहां पे खड़े हुए हो, आप यहां पे खड़े हुए हो, एक पर्सन इधर है, इधर है वो इस साइड वी वन की स्पीड से जा रहा है, और साइकिल वाला इस साइड वी टू की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई कौन रेस्ट पे कौन मोशन पे, तो ये क्वेश्चन टेक्निकली अपने आप में गलत है। मुझे पूछना पड़ेगा इस तरह से कि बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट, यानी अगर इस ऑब्जेक्ट, यानी पर्सन आप हो गया, मान लो पर्सन टू हो गया, ये हो गया पर्सन वन, तो मैं कह रहा हूं कि पर्सन टू के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें रेस्ट पे हैं। तो पर्सन टू के रिस्पेक्ट में, पर्सन टू खुद रेस्ट पर है, पर ये जो साइकिल है वो उसके रिस्पेक्ट में वी टू वेलोसिटी से इस साइड जा रही है, और ये जो पर्सन है वन वो वी वन वेलोसिटी से इस साइड जा रही है, ये अपने आपको रेस्ट पे मानेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं साइकिल वाले से पूछूंगा कि साइकिल वाले से पूछूंगा भाई बताओ कि क्या क्या रेस्ट पे, तो साइकिल वाला कहेगा कि मैं रेस्ट पर हूं, एक्चुअली मैं वो मूव कर रहा है, लेकिन उसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब फिजिक्स के टर्म में हम बात करेंगे तो वो कहेगा कि मैं रेस्ट पर हूं और मेरे रिस्पेक्ट में ये जो बंदा था ये V2 से इधर जा रहा था, ये रुका हुआ था, तो साइकिल वाले को ये V2 से इस साइड जाता हुआ दिखेगा ना, V2 से इस साइड जाता हुआ दिखेगा, और साइकिल वाले को ये वाला पर्सन किस स्पीड से दिखेगा, इस ये स्पीड जो इसकी होगी V2 प्लस V1 होगी, उस साइकिल वाले को ये पर्सन V2 प्लस V1 की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखेगा, इस साइड राइट साइड जाता हुआ दिखेगा। तो इसका सही कंक्लूजन क्या है, ये कहेगा कि मैं रेस्ट पर हूं और ये जो जो तुम हो जो कि रुके हुए थे रोड पर, वो कहेगा, वो साइकिल वाला कहेगा कि वो V2 से पीछे जा रहा है और ये वाला बंदा V1 प्लस V2 से और पीछे जा रहा है, और तेजी से पीछे जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर्सन के बारे में बात करूंगा, इस पर्सन के बारे में बात करूंगा, ठीक है, वन के रिस्पेक्ट में, तो वन के रिस्पेक्ट में, तो वन इस साइड वी वन से जा रहा है, तो वो वन से पूछेंगे कि बताओ कौन कौन रेस्ट पे है और कौन कौन मूव कर रहा है, तो ये सिंपल सा बंदा कहेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पर हूं लेकिन ये वाला पर्सन मुझे वी वन स्पीड से पीछे जाता हुआ दिख रहा है, और साइकिल वाला मुझे साइकिल का वी टू वेलोसिटी तो इधर थी प्लस वो वी वन की अपोजिट, यानी इनके बीच का डिस्टेंस वी वन स्पीड से बढ़ रहा है ना, तो वी वन प्लस वी टू की स्पीड से इस साइड जाता हुआ दिखेगा। तो साइकिल ये वाला बंदा क्या बोलेगा कि मैं रेस्ट पर हूं लेकिन ये V1 स्पीड से आगे जा रहा है और वो V1 प्लस V2 स्पीड से आगे जा रहा है, क्लियर क्लियर। और एक सेकंड केस इसमें डिस्कस करते हैं, अब दो साइकिल वाले हैं, ठीक है, दो साइकिल वाले हैं, और ये है एक साइकिल वाला बंदा है, चला रहा है साइकिल को चला रहा है, और दूसरी साइकिल एक बंदा दूसरा दूसरा चला रहा है, ठीक है, ठीक है। ये साइकिलिस्ट वन हो गया C1, ये हो गया C2, ये एक रोड पे जा रहे थे, ये एक रोड पे जा रहे थे, आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आप यहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है, ये इस साइड V1 वेलोसिटी जा रहा है और ये भी इस साइड V1 वेलोसिटी जा रहा है, तो एक्चुअली में दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो अगर अगर मैं अभी पूछूंगा कि इससे पूछूंगा तुमसे कि बताओ साइकिल की स्पीड क्या है, तो तुम क्या कहोगे, ये साइकिलिस्ट V1 स्पीड से आगे जा रहा है और ये वाला साइकिलिस्ट भी V1 की स्पीड से आगे जा रहा है। मैं इससे पूछूंगा कि बताओ वो बंदा तुम्हारा ये जो तुम हो वो कहां पर है, तो तुम कहोगे, तुम अपने फ्रेम को रेस्ट पर मानोगे और तुम कहोगे कि ये बंदा V1 स्पीड से, आपको ये जो साइकिल, अगर मान लो साइकिल पे आप बैठ गए तो ये V1 से पीछे जाता हुआ दिखेगा ना, तो ये आप इसे कहोगे V1 से वो पीछे जा रहा है, ठीक है। इस वाले बंदे से पूछूंगा तो वो भी कहेगा आप V1 स्पीड से इस साइड जा रहे हो। अगर मैं इससे पूछूंगा कि ये वाला साइकिलिस्ट कहां जा रहा है, तो इसकी भी स्पीड V1 है, इसकी स्पीड भी V1 है, तो दोनों फ्रेम एक साथ चल रहे ना, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर हो गया, तो वो ये वाला बंदा कहेगा कि ये पर्सन रेस्ट पर है, यानी ये तुम्हें लिखा हुआ देगा, तुम्हारा दोस्त भी साइकिल से जा रहा है, तुम भी साइकिल से जा रहे हो, सेम स्पीड से जा रहे हो, तो वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है ना,
ठीक है, तो ये कहेगा कि ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर, और ये भी कहेगा कि ये वाला पर्सन मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट जब दूर जाएंगे तो उनके बीच की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, जब पास आएंगे तो उनके बीच की वेलोसिटी तब भी ऐड हो जाएगी, जब एक डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये अभी हम करेंगे आगे। तो रेस्ट एंड मोशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। रेस्ट एंड मोशन समझ में आया क्या, व्हाट इज द रेस्ट व्हाट इज द मोशन, समझ में आया क्या ये? ओके, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या हुआ? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव कर रहा है बस, जैसे ये है, ये पर्सन है, इसके रिस्पेक्ट में ये इधर ही जा रहा है, स्ट्रेट लाइन से अवे जा रहा है, तो ये मोशन रेक्टिलिनियर फंक्शन हो गया, ठीक है। ठीक है, यहां पे दूसरा आता है पोजिशन, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो एक छोटा सा थियोरिटिकल पार्ट था, इसमें कुछ ऐसा नहीं। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस ये है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हो गया सेंटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहां पे वन हो गया, तो ये इस साइड पर है, यहां पे रखा हुआ है, ये इस साइड पर रखा हुआ है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर वन। तो अगर ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये हो गया वाई, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर आर वन? आर वन इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ठीक है, अगर ये ऐसे ही इसी लाइन में ये आगे बढ़ गया, यहां पर आ गया, तो अभी जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो हो गया R2, तो अगर ये कंपोनेंट हो गया A, ये कंपोनेंट हो गया A, और ये कंपोनेंट हो गया B, तो व्हाट इज द आर टू? आर टू इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। तो उसी लाइन में वो आगे बढ़ गया लेकिन अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा उसी लाइन में आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो अभी देखो बेटा ये क्या था, अभी पहले ऑब्जेक्ट था यहां पर आर वन पोजिशन वेक्टर पे, फिर वो पहुंच गया R2 पर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ R, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R हुआ, तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R2, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेक्टर, तो वेक्टर R क्या हुआ? वेक्टर R इक्वल टू हुआ R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हुआ। अब R2 क्या था? वेक्टर R, तो R2 क्या था? ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यहां से कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स आई कैप प्लस बी माइनस वाई जे कैप। तो ये वेक्टर आर क्या हुआ? दैट इज व्हाट? वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट? यहां से देखो, वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट? फाइनल वेक्टर, आर फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, आर इनिशियल। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां पर था और डिस्प्लेसमेंट होके यहां पर आया। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहां से वेक्टर आर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू ए माइनस एक्स आई कैप प्लस बी माइनस वाई जे कैप। ए माइनस एक्स आई कैप प्लस बी माइनस वाई जे कैप, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये आपका एक्स वाई फ्रेम है, ये आपका एक्स वाई फ्रेम है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, पोजीशन वेक्टर आर वन है, फिर वो ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, ऐसे ऐसे पहुंच गया, ठीक है। तो अभी उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? ओरिजिन से जहां पर वो है उस वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर कहते हो, तो ये हो गया वेक्टर आर टू और ये वेक्टर आर हो गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ ये वेक्टर, ठीक है। तो अभी साफ साफ दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इक्वल टू व्हाट? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर,
तो आप यहां पे रख देंगे आर वेक्टर आर इक्वल टू आर फाइनल। अब आर फाइनल वो बोल सकता है कुछ हुआ पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, और ये आर वन कितना हुआ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो वेक्टर आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ पी माइनस ए आई कैप प्लस क्यू माइनस बी जे कैप। क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, तो अभी इसी केस को मैं आगे लेता हूं, ठीक है, इसी केस को मैं यहां पे आगे लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट था वो R1 पोजीशन वेक्टर पर था, R1 पे था, और फिर वो ऐसे घूमता हुआ यहां पर गया, ठीक है, और अभी उसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2। तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओरिजिन से जो वेक्टर उस पोजीशन को ड्रॉ करता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट यहां से होता हुआ इस पॉइंट पे आया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहां पर था और जहां पे पहुंच गया उसको आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दोगे, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकली उसने इस पाथ को फॉलो किया और फिर वो यहां पर पहुंचा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, ये आर हो गया, देन दैट आर इक्वल टू व्हाट आर टू माइनस आर वन। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वेक्टर आर, तो यानी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेक्टर आर, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो आर टू ये लेंथ 10 मीटर थी, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो कर्व होगा वो ग्रेटर देन 10 होगा, ग्रेटर देन 10 मीटर होगा। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, ठीक है, क्लियर, क्लियर है बेटा, ये क्लियर है ये, ओके बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, अगर आपको वहां पे प्रिंट आउट निकाल लिया होगा मटेरियल का, तो वहां पे नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जो भी पॉइंट वहां से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जहां पर पार्टिकल था और जहां पे पहुंच गया उसको आप जब वेक्टर से ड्रॉ करते हो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। उसने पाथ क्या फॉलो किया ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि इसका और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम अपनी एक कार या बस जर्नी से कंपेयर कर लेते हैं, वहां से बहुत अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि ये अपना लोनावाला है, मुंबई और पुणे के बीच में ना शायद, हाँ वहीं पे तो है। तो ये आपका पुणे हो गया, ठीक है, ये पुणे हो गया, ठीक है, आपको लोनावाला जाना है, आपको लोनावाला जाना है, ठीक है। और आपने गाड़ी उठाई और ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए यहां पे पहुंचे, ठीक है, ये लोनावाला पहुंच गए, पुणे से निकले लोनावाला पहुंच गए। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय यू, तो आप क्या करोगे, ये पूरी सड़क की लेंथ निकाल दोगे ना, कहोगे सर 200 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर है शायद, लोनावाला ऐसा ही है कुछ 150 किया 100 किलोमीटर, तो कहोगे कि सर इतना इतना डिस्टेंस मैंने बाइक से घूमते घूमते वहां पर पहुंचूंगा। मैं कहूंगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में सड़क की लेंथ का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो कहां होगा जहां से आप चले और जहां पहुंचे उसको स्ट्रेट लाइन में आपने ड्रॉ कर दिया। कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो केवल 70 किलोमीटर का हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका एक्चुअल पोजीशन से जहां फाइनल हो गया उसको आपने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया, और उसका एक डायरेक्शन भी देना पड़ेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहां पे 70 किलोमीटर था और वहां पे सड़क आपको कितनी कवर करनी पड़ी 100 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब आप लोनावाला से निकल के दोबारा यहां पर आ गए, यानी पुणे रिटर्न आ गए, तो पुणे रिटर्न आ गए तो यहां से ए यहां पर पहुंच गए, ओके। तो मैं कहूंगा कि भाई पूरी ट्रिप में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 150 किलोमीटर ट्रेवल करके आप यहां पे पहुंचे थे और 150 किलोमीटर ऑफ कोर्स ट्रेवल करके आप यहां पे आ गए, तो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया 300 किलोमीटर, ठीक है। और जब आप यहां पे पहुंच गए
और मैंने पूछा आपसे व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट तो आप यहीं से चले यहीं से वापस आ गए ना, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, तो कोई लाइन ही नहीं ड्रॉ की जा सकती, जीरो हो गया उस केस में डिस्प्लेसमेंट। जिस पॉइंट से चले और घूम के वहीं पर आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और डिस्टेंस क्या हुआ, जो एक्चुअल पाथ लेंथ आपने कवर की, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो टेक्निकली ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है ये पॉइंट बेटा, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, एक इसी केस को लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे सेकंड पॉइंट आता है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। मैं एक केस ऐसा लेता हूं कि आप बस लोनावाला गए और वहां पे वहां से जैसे ही आपने लोनावाला को टच किया और तुरंत आप वापस आ गए, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में डिस्प्लेसमेंट हुआ 70 का और डिस्टेंस हुआ 150 का, ठीक है। 300 तो टोटल डिस्टेंस ही ना बेटा, 300 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस ही, कब कहां से कहां तक की, यहां से जाकर के वापस आने तक की जो डिस्टेंस आपने कवर की, दैट इज अ 300 किलोमीटर, ठीक है। और 150 क्या हुआ, 150 यहां से वन साइड की ट्रिप था, वन साइड की ट्रिप की डिस्टेंस हो गई 150 किलोमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा एक मिनट रुकिए जरा, मेरे को प्यास लग रही है, मैं पानी पी लूं थोड़ा। ओके अभी क्या हुआ, एक केस को पहले वाले जाने वाले केस को डिस्कस करते हैं। तो अगर उसने पूछा व्हाट इज योर स्पीड, तो स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं मान लेता हूं यहां पे आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगा टू आवर लगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा व्हाट इज योर स्पीड, तो स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम टी। तो ये कितना हो जाएगा, 150 बाई 2, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, अगर वहीं पे मैं पूछूंगा तो ये स्पीड एक्चुअली नहीं है, ये है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को आपने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, दैट इज द एवरेज स्पीड। यानी इस पॉइंट से आप t इक्वल टू 0 पे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चालू करें और उसी स्पीड को मेंटेन करें तो आप 2 आवर्स में वहां पे उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे लोनावाला, ठीक है। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछता हूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यहां से 70 का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, तो 70 का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, तो 70 यहां वेक्टर क्वांटिटी में रखा जाएगा। स्पीड जो होती है आपकी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो मैंने वहां पे 70 के ऊपर एरो ड्रॉ कर दिया, ये 70 एक वेक्टर क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टी, तो 2 से कर दिया तो ये हो गया 35 किलोमीटर पर आवर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ठीक है,
अब 2 घंटे आपको जाने में लगे और 2 घंटे आपको वापस आने में लगे, तो टोटल जेट ट्रिप कितने की हो गई? टोटल ट्रिप हो गई 300 किलोमीटर की, और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 4 आवर का। तो अगर मैं कहूंगा कि यहां से आप उधर गए और उधर से वापस आ गए, तो टोटल ट्रिप में आपकी स्पीड कितनी थी? तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 किलोमीटर बाई टाइम टी, तो ये आता है अगेन 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल एवरेज, तो एवरेज स्पीड इन द टोटल ट्रिप कितना हो जाएगा? 300/4। अभी एवरेज वेलोसिटी लोगे यहां पे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप गए और यहीं पर वापस आ गए, तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? 0। ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट। जहां से आप चले वहीं पर वापस आ गए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0/4। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी इन द फुल ट्रिप इज 0। क्लियर ये पॉइंट? तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, जहां से था जहां पर गया, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और इसको सिंपल से कैसे समझेंगे? और मैं एक बार समझा देता हूं, और सिंपल से कैसे समझेंगे? ये आपका एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है आर वन, ठीक है, दूसरा पोजीशन वेक्टर है आर टू। ओके, अभी ऑब्जेक्ट यहां से इस पॉइंट पर आ गया, यहां से इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस क्या कवर किया? डिस्टेंस उसने एल कवर की, तो बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज दिस आर, आर इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द आर टू माइनस आर वन। T इक्वल टू T1 पर यहां पर था और T इक्वल टू T2 पर यहां पर आ गया, T इक्वल टू T1 पर यहां पर था तो T इक्वल टू T2 पर यहां पर आ गया। तो मैं अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L बाई T2 पर यहां पर था, T1 में यहां पर था, तो T2 माइनस T1। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट यानी आर, आर बाय टी टू माइनस टी वन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप तो को? ठीक है, अब पॉइंट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, एक स्टोरी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है, यहां पर ये रोड है, ये रोड पे ये पर्सन आगे जा रहा है, एक पर्सन है वो आगे जा रहा है, मान लीजिए आप हो, ठीक है, ये आपका घर हो गया होम, ये हो गया स्कूल, ठीक है, स्कूल हो गया, तो कहानी है, तो आप इस टाइम टी इक्वल टू जीरो से अपने घर से बाइक से निकले, बढ़िया वाली बाइक थी आपके पास, एक बहुत ही अच्छी गाड़ी थी आपके पास, स्प्लेंडर गाड़ी, बहुत ही अच्छी गाड़ी थी आपके पास, आपने अपनी डुकाटी बेचकर आपने अपनी फिर स्प्लेंडर खरीदी, उस गाड़ी से आप स्कूल आ रहे थे, स्कूल नहीं इंस्टीट्यूट आ रहे थे, ठीक है, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, आप आए यहां से निकले, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना था? ये था 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर यहां से निकले और टाइम टी इक्वल टू 2 आवर पे यहां पे पहुंच गए, 2 आवर पे इस पॉइंट पे पहुंच गए, यानी टी इक्वल टू जीरो से निकले आप और टी इक्वल टू 2 आवर पे वहां पे पहुंच गए,
इंस्टीट्यूट पे पहुंच गए, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट, अगर यानी मुझे कैलकुलेट करना होगा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं मान के क्या करूंगा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने ये डिस्टेंस कवर किया। लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा मोशन नहीं होता, एक्चुअल मोशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, आप अपने घर से निकले, ऐसा नहीं कि आप अपने घर से निकले बाइक पे बैठे तुरंत स्पीड 50 की हो गई, आप 50 से कंटिन्यूस आते रहे और इंस्टीट्यूट के सामने आपने 50 पे गाड़ी को ब्रेक लगाया और वहां पे मोशन खत्म हो गया। मोशन थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, आप अपने घर से निकले, ठीक है, वहां पे आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई 0, फिर 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर की स्पीड से हो गई आपकी। ठीक है, आप यहां तक आ गए, फिर सडनली आपको यहां पे रेड लाइट मिल गई, रेड लाइट का पोल मिल गया, आप वहां पे रुक गए, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, वी इक्वल टू जीरो हो गई क्या? ठीक है, अगर शरीफ हो आप तो फिर वहां पे रेड लाइट पे रुकोगे, नहीं तो कहीं साइड से निकालने की कोशिश करोगे और चालान कटवाओगे। ठीक है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप शरीफ हो, तो यहां पे रेड लाइट पे आप रुक जाओगे। ठीक है, रेड लाइट पे जब रुक जाओगे तो यहां पे आपकी स्पीड कितनी हो गई, जीरो हो गई क्या? ठीक है, और फिर वहां आपका क्या नहीं, मतलब जैसे यहां से चले आपका फ्रेंड मिल गया, वो भी अपनी बाइक पे जा रहा था, दोनों साथ साथ आराम से जा रहे होगे 20 किलोमीटर की स्पीड स्पीड से पर आवर से यहां से इंस्टीट्यूट पहुंचोगे। तो एवरेज मोशन ऐसा नहीं होता। तो अगर आपकी एवरेज स्पीड निकाल रहा है कोई, तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये 100 किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, और ये यहां से टाइम टी इक्वल टू टी पे यहां पे पहुंच गया। तो टाइम टी इक्वल टू टी पर यहां पे पहुंच गया, सॉरी टू आवर में यहां पे पहुंच गया। तो व्हाट इज द स्पीड, दैट इज द 100 किलोमीटर बाई टाइम टी, दैट इज द 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होती है जैसे t इक्वल टू 2 आवर में आप पहुंचे, लेकिन मैंने आपसे बोला कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 इसके बीच में एक टाइम इंटरवल था, और मैंने कहा कि उस इंस्टेंट पे, उसके किसी भी एक इंस्टेंट पे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर स्पीड, तो आप जो अपने स्पीडोमीटर, गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखोगे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस इंस्टेंट पे उसकी क्या स्पीड थी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, और यहीं से इसी पॉइंट से आपका जो कैलकुलस हमने पढ़ा था ना, उसका एप्लीकेशन होने लगता है। तो उनके टर्म्स याद रखना जो जो मैंने आपको बोले थे। मैंने माना टी इक्वल टू टी पर आप यहां पर थे, टी इक्वल टू टी पे आप कहां पर थे, एक्स डिस्टेंस पर थे। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर थे, और टी इक्वल टू टी प्लस डेल टी, डेल टी पे आप यहां पर कहां पर आ गए, एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स पर आ गया। ये हो गया पॉइंट वन, ये हो गया पॉइंट टू। ठीक है, अगर मैं डेल टी को बहुत छोटा करूंगा तो ये लाइन इसके पास आती जाएगी क्या, इस लाइन के पास, डेल टी को बहुत छोटा करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल एक्स भी छोटा होता जाएगा। क्लियर ये पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर गया, ये पॉइंट क्लियर, ओके। आप एक जनरल टाइम टी पे यहां पर कहीं हो, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम बढ़ा तो आप डेल एक्स का डिस्टेंस कवर करके यहां पर आ गए, डेल एक्स का डिस्टेंस कवर करके आप इस पॉइंट पर आ गए। कितने टाइम में आप इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप कितने टाइम में पहुंचे, यहां से यहां तक डेल टी टाइम में पहुंचे ना, डेल टी टाइम में पहुंचे। तो मैं कहूंगा कि भाई इतने टाइम के बीच में आपकी जो स्पीड, एवरेज स्पीड थी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, इसके बीच में, इसके बीच में उस पाथ के एक पार्ट में, ठीक है, मैं कहूंगा कि अगर अच्छा डेल एक्स बाई डेल टी, तो आपने कहा कि उस इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी, तो इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ, डेल टी। अगर मैंने कहा कि टी इक्वल टू टी पे स्पीड क्या होगी, तो उसका मतलब डेल टी बहुत छोटा होना चाहिए, यानी डेल टी टेंड्स टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या लिख देते हो आप, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब इसी को तो आप कहते थे डी एक्स ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
यही तो हुआ, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आती है, वही वैल्यू आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर उस टाइम शो कर रहा होता है। यानी वहां पे डेल एक्स की डिस्टेंस को आपने जब डेल टी से डिवाइड किया, तो हो सकता है वो 70, 80 या 200 या 500 डिपेंड ऑन, यानी स्पीड ऑफ द व्हीकल, 2500 तो नहीं बोलना चाहिए, 70 80 किलोमीटर की जो स्पीड आ रही है वो आपकी वो आ जाएगी 70 80। उस छोटे से टाइम में आपने एक मीटर की डिस्टेंस को आपने इतने कम टाइम में कवर किया कि एक मीटर को भी आपने जब डेल्टी से डिवाइड किया तो वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। तो वही स्पीड आपका स्पीडोमीटर आपको शो कर रहा होता है। स्पीडोमीटर आपको क्या बता रहा होता है कि इस टाइम आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। यानी अगर आपने अपनी गाड़ी को इसी तरह चलाया तो आप एक घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। यही तो स्पीडोमीटर आपको बताता है, ठीक है। उसके नीचे वो आपको बता रहा होता है डिस्टेंस कितना कवर हो गया, लेकिन स्पीडोमीटर की जो सुई होती है वो क्या बताती है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी स्पीड को बताता है, ठीक है। तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, डीएक्स ओवर डीटी, ठीक है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, डीएक्स ओवर डीटी। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, अब इस पॉइंट पर था तो ये वेक्टर हो गया फाइनल, ये एक्स टू हो गया, और इनिशियल वो क्या था, इसको फिर से साफ करके आपको, नहीं तो कॉम्प्लेक्स जाएगा थोड़ा सा। इस पॉइंट पर ये, यानी ए से बी तक जा रहा है ऑब्जेक्ट, ए से बी तक जा रहा है, t इक्वल टू टी पर वो x यहां पर था, t इक्वल टू टी प्लस डेल टी पे वो x2 पे पहुंच गया, x2 वेक्टर पे पहुंच गया, ये x1 पे था। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x, तो अब ऊपर एरो लग जाएगा ना, डेल्टा x इक्वल टू व्हाट, x2 फाइनल पोजीशन माइनस x1, x1, ठीक है। तो डेल्टा x, अभी से आप डेल टी से डिवाइड कर दोगे, डेल टी से डिवाइड कर दोगे तो ये डेल टी कितना जाएगा, डेल टी इक्वल टू टी2 माइनस t1। अब क्या कर दोगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहां पे भी आप कर दोगे लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, तो एक्स टू माइनस एक्स वन वेक्टर, एक्स टू माइनस वेक्टर एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन लिमिट टी टेंस टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये एक्स नहीं है बेटा, ये वेक्टर एक्स, ये डी एक्स नहीं है, ये वेक्टर डी एक्स है, dx upon time is called instantaneous velocity. So what is the instantaneous velocity? इसको हम vi से represent करते हैं, उसके ऊपर एक arrow लगाते हैं, that is the dx over dt. Clear है? Clear है? ये बेटा conceptual part था आज का. Clear है? Okay. शैली तुम्हें वीडियो साफ आ रहा है क्या, ओके जिनकी इंटरनेट स्पीड में थोड़ा प्रॉब्लम होगी ना उनको वीडियो थोड़ा सा ब्लर दिख सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी करते हैं लेक्चर की और यूट्यूब पे डाल देते हैं, आप लोग वहां पे देख लिया करो बाद में अगर इनकेस कोई डाउट आ रहा हो तो। ओके
ओके वहां पे अब सॉल्ड एग्जांपल आ गया, एग्जांपल नंबर वन, यानी आपने वो निकाल रखा है क्या प्रिंट आउट, अभी कल आप लोग आइए तो ये मटेरियल प्रिंटेड मटेरियल ले जाइए इंस्टीट्यूट से, ठीक है, किसी को भेज दीजिए ग्रेजुएट को तो ले जाए, ठीक है। इन वन सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज, ठीक है, सेमी सर्कल में मूव कर रहा है, यहां से यहां पर आ गया, रेडियस क्या था पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आ गया, और रेडियस क्या था उसका, रेडियस था उसका 1 मीटर, टाइम कितना लगा डेल्टी टाइम कितना लगा 1 सेकेंड का, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया और उसको लगा 1 सेकेंड का टाइम लगा, और क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये पार्टिकल ऑफकोर्स यहां से लेके यहां तक आया, ठीक है, तो बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इसका 2 मीटर हुआ ना, 2 मीटर। अब मैं इसे बोल देता हूँ नॉर्थ, इसे बोल देता हूँ साउथ, इसे बोल देता हूँ ईस्ट, इसे बोल देता हूँ वेस्ट, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ मैं मान लेता हूँ आई कैप, तो इधर से इस साइड गया तो पहले कितना था, तो अभी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो आर इनिशियल कितना हो गया, आर इनिशियल हो गया आपका आई कैप, और आर फाइनल कितना हो गया, आर फाइनल हो गया आपका माइनस आई कैप, ठीक है, व्हाट इज द डेल्टा आर, डेल्टा आर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल हुआ आई माइनस आई कैप और आर इनिशियल हुआ आई कैप, तो माइनस आई कैप बाई टाइम टी, तो 1 सेकेंड में यहां से यहां तक आया ना, तो 1 सेकेंड में डिवाइड कर दिया, तो माइनस 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द स्पीड, तो स्पीड में क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस कितना ये इसने कवर किया पाई आर, 22/7 इंटू आर, आर कितना हो गया 1, ठीक है, तो 22/7 मीटर कवर किया उसने, तो डिस्टेंस एस कितना, इसकी वेलोसिटी वी कितनी हो गई, स्पीड वी कितनी हो गई 22/7 स्पीड बाई 1, तो ये हो जाएगा 22/7 मीटर पर सेकेंड। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ए पार्टिकल मूव अलोंग द सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर इन टाइम टी विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, फॉर द पार्टिकल कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसने वहां पे सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक जा रहा है, पॉइंट बी तक जा रहा है वो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, तो आर के रेडियस से घूम रहा है इन टाइम टी, तो टाइम टी में जा रहा है वो घूम रहा है, ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, फाइंड द पार्टिकल, फॉर द पार्टिकल कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर जो हुआ वो हुआ, तो वो हुआ पाई इंटू आर, दिस इज द डिस्टेंस कवर एस, डिस्टेंस को हम जनरली एस से लिखते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर। दूसरा पार्ट क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहां से था वहां पे जहां पर गया उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका माइनस ट्वाइस आर, ये आर ट्वाइस आर हुआ ना, तो माइनस, इसलिए मैं बता रहा हूं कि निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। एवरेज स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर बाई टाइम टी, टाइम टी में तो वो यहां से यहां तक गया, तो स्पीड हो गया पाई आर, डिस्टेंस कवर बाई टाइम डिवाइडेड बाई टाइम, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में हो गया माइनस ट्वाइस आर बाई टाइम टी। ए बॉडी ट्रेवल, क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉडी ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ ए हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी वन एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द वेलोसिटी वी टू, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस एस है,
तो s by 2 टोटल डिस्टेंस s को पहले वाले को वो v1 स्पीड से कवर करता है और दूसरे हाफ को यानी s by 2 को वो v1 स्पीड से कवर करता है और s by 2 को यहां से वो v2 स्पीड से कवर करता है तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट तो देखो यहां से यहां तक जाने में मुझे लगा टाइम t1 तो व्हाट इज द टाइम t1 डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v1 दैट इज द टाइम t1 और व्हाट इज द टाइम t2 दैट इज द डिस्टेंस बाय वेलोसिटी v2 तो व्हाट इज द नेट टाइम t1 प्लस t2 एंड दैट इज इक्वल टू s बाय 2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 टोटल टाइम ये हो गया ना तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस s बाय टोटल टाइम s बाय 2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 ये कट गया तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टोटल जर्नी क्लियर है सबको ये आप लोगों के पास ये है ना स्टडी मटेरियल मेल किया था हमने तो उसको बेटा अभी ले जाइएगा ऑफिस से प्रिंट करवा लीजिए प्रिंट है यहां पे प्रिंट देते हैं हम लोग तो उसको आप लोग ले जाइएगा ठीक है अगले क्वेश्चन में आइए When the velocity is given as a function of time, सुनो अब velocity as a function of time दे रखा है तो इस equation से समझना क्या है सबसे पहले तो ये क्योंकि आपको जब से सबसे पहले concept उसका समझना है ना कि इस equation का मतलब क्या है तो आप यहां पे velocity as a function of time दे रखा है velocity v equal to 10 plus 2t plus 3t square ठीक है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है ठीक है जब वेलोसिटी इस तरह से दे रखा है तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई तो अगर t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी निकालना है तो t इक्वल टू जीरो पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो v1 इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड t इक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा 10 बचेगा ना ठीक है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 नहीं 1 ले लेते ना सिंपल लेते इक्वल टू 1 पे निकालना है तो 10 प्लस टी की जगह 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा प्लस 3 यह आएगा 15 मीटर पर सेकेंड टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये मैं क्या निकाल रहा हूं वो टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसकी क्या वेलोसिटी ये मैं क्या निकाल रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो यहां पे v3 कितना आ जाएगा v3 आ जाएगा आपका 10 प्लस 6 प्लस 9 था 27 ठीक है तो 6 12 13 33 प्लस 10 यानी दैट इज द 43 मीटर पर सेकेंड तो t इक्वल टू 3 पे उसकी जो स्पीड आई वो 43 मीटर पर सेकेंड 43 आ रही ना 9 9 18 27 प्लस 6 6 12 13 33 प्लस 10 हाँ 43 मीटर पर सेकेंड तो t इक्वल टू 3 पर उसकी जो वेलोसिटी मिल रही है वो मिल रही है 43 मीटर पर सेकेंड सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया ये व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया उसने आपको वैल्यू दे रखी है dx over dt की क्लियर क्या बेटा ये पॉइंट क्लियर किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है उसका फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि वो उसने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है ठीक है डीएक्स ओवर डीटी अब क्वेश्चन में आते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड
बेटा कल इंटीग्रेशन में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, उसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ना कि कोई फंक्शन है एफएक्स है, तो मैंने सिंपली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया था एकदम बिगनिंग में। हम ऐसे कहते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स डीएक्स, तो ये हो जाता था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसे होता था ना। तो एक्चुअली में हम जब इसको इंटीग्रेट करते तो क्या होता था, एक्स क्यूब बाई थ्री, ये हो गया क्या, ये आता था आंसर। लेकिन एक्चुअल में आंसर ये पूरी तरह से सही नहीं है। जब भी आप अपनी अपनी तरफ से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो वहां पे एक कांस्टेंट सी भी ऐड कर देते हो। तो इससे क्या, ये इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको अभी समझाना आपके लिए थोड़ा समझना टफ हो जाएगा, इसको हम बाद में बताएंगे। तो अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो फाइनल रिजल्ट में एक कांस्टेंट सी ऐड किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि अभी अभी जब इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, मान लो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी कर दिया, तो ये कितना हो जाता, थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री हो जाता था क्या, और सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाता, तो एक्स स्क्वायर आ जाता था ना। तो आंसर तो सेम आ गया, लेकिन ये मेथड है कि इंटीग्रेट करते हो तो लास्ट में एक कांस्टेंट सी अपनी तरफ से ऐड करते हो, ठीक है। इसको मैंने बताना भूल गया था मैं एक्चुअली में, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऑन द स्पॉट इतने सारे कॉन्सेप्ट बताने होते हैं कि ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटीज वगैरह में इसी कांस्टेंट सी पर क्वेश्चन को फंसा दिया गया था, कई बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और इसी क्वेश्चन का यूज शायद अभी इस नीचे वाले क्वेश्चन में है, तो यहां पे क्या बोल रहा है, वो पार्ट ए में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड इफ इट इज गिवन द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो यहां पे वेलोसिटी वी का टर्म क्या रखा, वी इक्वल टू रखा 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी लिखते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। ये हुआ तो डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो इधर डी एक्स हो गया, इधर डी टी हो गया, अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो अब डी एक्स इंटीग्रेट होकर क्या मिलेगा, डी एक्स इंटीग्रेट होकर आपको मिलेगा एक्स एक्स, और इधर क्या मिलेगा, 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10t, 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2, और 3t का इंटीग्रेशन होगा 3t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट गया, यहां से यहां कट गया। अब इसे इंटीग्रेट करते तो यहां पे एक कांस्टेंट सी अपनी तरफ से ऐड किया जाता है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस सी सी, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। यानी ये अभी आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, अभी आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, व्हेन एट टी इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज 20। तो इसका मतलब अगर आप यहां पे टी इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस सी, एंड उसने बोल दिया 20, तो ये कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू क्या आई, 20 आई, ठीक है, 20 आई। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 20। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की इक्वेशन हो गई टी 10t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 20। तो t इक्वल टू 0 पे क्या t इक्वल टू 0 पे तो उसने बता दिया, t इक्वल टू 1 पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो अब यहां पे t इक्वल टू 1 रख दोगे तो 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32 मीटर, ओके। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 32 मीटर, ओके। आगे उसने पूछा है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये मैं अभी बताऊंगा बेटा आपको, इसको याद देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, 10 प्लस 2t प्लस
थ्री टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 6t, कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 6t, एक्सीलरेशन क्या रिलेशन क्या जाएगा 2 प्लस 6t एट एनी टाइम t इक्वल टू t, तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 6t। तो एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन क्या आ गई 2 प्लस 60, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा सा आज का आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब से देख के, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए बाय।